सो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 86 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, हाउ मच बिगर विल बी द इमेज बी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, सो इससे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सो सबसे पहले क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे हमें पता चलता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस निकाला, प्रिंसिपल एक्सिस निकाला, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, 20 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट कभी भी कहाँ पे होता है, लेंस के लेफ्ट साइड में। ओके, सो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट निकाला, ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर। अभी आगे क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट दिया ऑब्जेक्ट का कितना है, 5 सेंटीमीटर, वो भी लिखना है। सो ये रफ डायग्राम है, ये एस्टिमेट ये 20 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लिखते वक्त 20 सेंटीमीटर लिखना है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल फोकस F1। ओके, तो ये कितना आ गया डिस्टेंस, 10। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें निकालना गया पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, हाउ मच बिगर इज द इमेज। सो गिवन क्या है, हमें दिया है तो अभी गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्यों नेगेटिव 20 सेंटीमीटर दिया है, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है। उसके आगे फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड पे। एंड वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसका साइज क्या है, हाइट क्या है। ओके, मैग्निफिकेशन कहाँ पर है, यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, उससे हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर ये निगेटिव है, तो अगर ये दूसरे साइड पे जाएगा ये पूरा टर्म, तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/v जो कि हमें निकालना है, वी इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ओके, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो f की जगह पे 10 लिख दिया। u कितना दिया है, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे u की जगह पे नेगेटिव 20 लिख दिया। अभी क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, उससे पहले ये दोनों का एक साइन बना के लेते हैं। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम किया, देखो 10 × 2, सो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 ऑलरेडी है। ये दोनों का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का एक साइन बनाया, तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड 1 × 2, 2, तो क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 2/20 - 1/20। ओके, डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया, तो न्यूमरेटर का हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू 2 - 1, 1, 20 डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही रहेगा। सो इट इज 1/v, अगर ये वी न्यूमरेटर में गया तो ये 20 भी न्यूमरेटर में जाएगा, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो वी कितना है, 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव है क्या, नहीं, सो इट इज पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, तो कहाँ पे रहेगा, इट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। सो इमेज कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली, उसका डबल 20 सेंटीमीटर पे इमेज रहेगा। सो हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया है वी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड हाइट ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ओके, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले है, एम इज इक्वल टू H2/H1, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें दोनों फॉर्मूला भी एक साथ यूज करना है। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, वी नो द डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी नो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी नो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर, ओके,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया है पे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया वैल्यूज, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी 20 डिवाइड बाई 21, नेगेटिव का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, देयरफॉर वी गेट H2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। हाइट कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड, सो ये नीचे के साइड पे रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड मैग्निफिकेशन यू कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला H2 डिवाइड बाई H1 -5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -5, यहाँ पे क्या होना चाहिए -5। ओके सो फॉर मैग्निफिकेशन वी कंसिडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, सो इफ देर इज नो माइनस साइन इट विल बी ओके। सो -1, सो मैग्निफिकेशन 1 रहेगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही इमेज रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल अपना पूरा सॉल्व हो गया है। सो जैसे कि वर्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हमें भी वर्ड में आंसर करना है। सो बाकी की चीजें अटैच करना है, यहाँ से एक रे यहाँ पे, यहाँ से एक रे अगेन यहाँ पे। ओके क्या कह दिया, पोजिशन कहाँ पे, H2F1, H2F देखो यहाँ पे 2F पे फॉर्म हुआ है। साइज सेम साइज है। ओके नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, देखो दूसरे साइड पे इसलिए रियल, उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82, पेज नंबर 92। क्या दिया है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजिशन साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। तो क्या दिया है, सबसे पहले कॉन्वर्जिंग लेंस दिया है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, जिसके ऊपर से हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, उससे हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस दिया है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस दिया है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन रूल नंबर 1। ओके हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या दिया है फोकल लेंथ दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा तो 2F कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। ओके 20 सेंटीमीटर यहाँ पर भी एक पॉइंट रहेगा एट 20 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट द 2F, तो ये 2F के पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F। सो आप टेबल से भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F रहेगा इमेज शुड फॉर्म बिटवीन F एंड 2F, तो इस दोनों के बीच में इमेज फॉर्म होना चाहिए, हो रहा है क्या, लेट्स सी। गिवन क्या क्या डाटा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 25 सेंटीमीटर, एज इट इज ऑन द लेफ्ट इट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमें क्या क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोला नहीं है फिर भी हम निकालेंगे। नाउ लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F एंड 1/V, अभी ये -1/U राइट हैंड साइड में गया इट विल बिकम पॉजिटिव, सो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। F का वैल्यू हमें पता है 10, U का वैल्यू हमें पता है -25, सब्सटीट्यूट किया, बाकी का सब वैसे का वैसे ही लिखना है। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है, कैसे करेंगे, 10 5s are 50 एंड 25 2s are 50, सो 50 दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पर 50 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 50 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर के भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, दोनों भी 50-50 करना है, सो 25 2s are 10 5s are, यस ये साइन ऐसे का ऐसे ही रखा, ये साइन भी ऐसे का ऐसे ही रखा। नाउ 1 5s are 5, 10 5s are 50, 1 2s are 2,
25 टू जा 50, ये दोनों का साइन मिला के सब्सट्रैक्शन साइन आ गया। ओके अभी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो बीच का साइन है वो ऑपरेशन करना है। ओके सो वन अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 50। तो हमें वी चाहिए, वन अपॉन वी चाहिए क्या, नहीं हमें वी चाहिए। सो वी न्यूमरेटर में गया तो 50 न्यूमरेटर में जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड वी विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, वी इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 3। अब इसका डिविजन करना है 50 डिवाइड बाय 3। तो अगर मैंने 50 डिवाइड बाय 3 किया कैसे आएगा डिवीजन, 50 यहाँ पे लिखना है, 3 यहाँ पे लिखना है, 3 वन जा 3 माइनस किया 2 बचा 0, 3 6 जा 18, अगेन 2 रिमेनिंग। अब यहाँ पर कुछ बाकी है क्या, नहीं, सो वी हैव टू कंसिडर 0 एंड गिव 1 पॉइंट हियर। नाउ अगेन 2 6 जा 18, अगेन 2 विल रिमेन। सो ऐसे ही ये रिकरिंग होते जाएगा। सो आवर आंसर इज 16.6 और 16.66, तो आंसर लिखना है 16.66। सो इमेज डिस्टेंस मिल गया हमें कितना है, पॉजिटिव 16.66। तो यहाँ पे देखो एफ कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे, 2F कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इमेज विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 16.66 सेंटीमीटर। तो अगर आप टेबल देखेंगे जो कि पेज नंबर 83 पे दिया है, उसमें का अगर सेकेंड कंडीशन देखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F इमेज विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2F, तो ये हमें ये प्रॉब्लम से भी पता चल सकता है। सो हियर वी गेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज 16.66 सेंटीमीटर। तो एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमें पता है, इमेज का निकालना है, वी नो द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू यूज अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ फॉर मैग्निफिकेशन, दोनों भी फॉर्मूला यूज करने, H2 डिवाइड बाई H1, V डिवाइड बाई U। H2 हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, इसलिए H1 यहाँ पे डिवाइड पे था, वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, V का वैल्यू कितना है 16.66, U का वैल्यू कितना है -25। ओके सो 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, अगेन 16.66 को 5 से डिवाइड करना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमने डिवाइड किया एंड वी गेट द आंसर 3.33, ये माइनस साइन है वो ऐसे का वैसा आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर, यूनिट नहीं बोलना है कभी भी। सो हाइट कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि इमेज नीचे के साइड में फॉर्म हुआ है, नेगेटिव साइड में। ओके ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, सो इट इज 3.33। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट कितना है 3.33, तो इमेज छोटा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पोजिशन बिटवीन 2F2 एंड F2, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हो जाएगा। साइज कैसा है इमेज का, स्मॉल, एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, सो रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा फॉर्म हुआ, तो बाकी के जो रिमेनिंग है वो भी ड्रॉ करो। सो दिस वॉज आवर सेकेंड न्यूमरिकल, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूमरिकल। हमारा थर्ड न्यूमरिकल है क्वेश्चन नंबर 84, पेज नंबर 92। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, गिव्स द वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, ओके उसके ऊपर से हमें फोकल लेंथ निकालना है। अगेन वी हैव टू यूज लेंस फॉर्मूला, इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है ये हमें पता नहीं है, तो उसके वजह से हम रफ डायग्राम भी नहीं लिख सकते या ड्रॉ कर सकते हैं। सो गिवन क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 60 सेंटीमीटर, एज वी नो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सो वी हैव टू टेक इट एज नेगेटिव। नाउ इमेज डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड इट इज वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, हमेशा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां पर ही फॉर्म होता है उसी साइड में, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, अगेन वी हैव टू यूज लेंस फॉर्मूला,
1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. v हमें पता है minus 20, u हमें पता है minus 60. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बाकी के सब वैसा का वैसा लिखा. नेक्स्ट स्टेप इज हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 23 जा 60 एंड दिस 2 माइनस साइन बिकम्स 1 पॉजिटिव. तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय माइनस 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 60. तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया 60 60, तो ऊपर का हम क्या कर सकते हैं एडिशन, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी है. सो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा साइन बड़े नंबर का. सो माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस 2. व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली डिवाइड इट हियर. माइनस 2, 2 वन जा 2, 2 30 जा 60. ओके सो माइनस साइन वैसे का वैसे ही रहेगा. ओके सो माइनस साइन वैसे ही रहा एंड वी गेट द फाइनल आंसर माइनस 30 सेंटीमीटर. अगर ये 30 ऊपर गया एंड एफ ऊपर गया तो सो फोकल लेंथ कितना मिला माइनस 30 सेंटीमीटर. हमने साइन कन्वेंशन के लास्ट रूल में देखा था फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज निगेटिव और कॉन्केव लेंस इज निगेटिव. तो इसके ऊपर से हमें पता चल गया कि लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है. तो उसके ऊपर से हम डायग्राम भी बना सकते हैं. ओके सो कॉनकेव लेंस बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव दैट इज डाइवर्जिंग लेंस. सो कॉनकेव लेंस निकाला, जो जो चीजें दी है वो सब निकालना है. ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उन्होंने दिया था 60 सेंटीमीटर. ओके फोकल लेंथ हमें मिला है 30 सेंटीमीटर, तो इसके हाफ फोकल लेंथ रहेगा 30 सेंटीमीटर पे. ओके तो ये इमेज निकालना है, एक लाइन स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वन लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, डायरेक्शन भी दिखाना है यहाँ पे. तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगा. सो दिस वाज आवर थर्ड न्यूमेरिकल. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ न्यूमेरिकल. सो फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 86 सेकेंड वन. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर. तो फोकल लेंथ दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर, उसका पावर निकालना है हमें. सो पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया. तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. सो मीटर में कन्वर्ट करते वक्त सेंटीमीटर को सिंपली डिवाइड बाय 100 करना है. सो 20 को अगर मैंने 100 से डिवाइड किया मुझे मिल जाएगा 0.2 मीटर. सो दिस इज गिवन फोकल लेंथ एंड वी हैव टू फाइंड पावर ऑफ द लेंस. वी नो द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस दैट इज पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ. एफ मीटर में होना चाहिए. अभी कितना है एफ, 0.2 सब्स्टिट्यूट किया. अभी मुझे 1 को 0.2 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 एंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2. सो 2 वन जा 2, 2 5 जा 10. सो पावर कितना मिल गया हमें, पावर मिल गया हमें 5 डी, डायोप्टर. यूनिट नहीं बोलना है, अगर ये 5 लिखा डी नहीं लिखा आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. सो दिस वाज आवर फोर्थ न्यूमेरिकल. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ न्यूमेरिकल. ओके सो हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 81 पेज नंबर 92. डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग द पावर 1.5 डायोप्टर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस. तो पावर दिया है, अभी फोकल लेंथ हमें निकालना है एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है वो भी निकालना है एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन. तो ये पॉइंट अभी तक हमने किया नहीं है डिफेक्ट ऑफ विजन, जब ये पॉइंट करेंगे हम तब मैं इसका आंसर दे दूंगा व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन. तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसका आंसर मैं बाद में नेक्स्ट पार्ट में दूंगा. ओके सो गिवन क्या है, पावर ऑफ लेंस कितना दिया है पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर, हमें क्या निकालना है फोकल लेंथ. फॉर्मूला वही यूज करना है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मीटर में मिल जाएगा हमें.
सो पावर दिया है 1.5, सब्सटीट्यूट करना है, फोकल लेंथ को ऐसे ही रखना है। अभी फोकल लेंथ यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 1.5 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके सो एफ यहाँ पे गया 1/1.5। इसके आगे का स्टेप, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 10/15। अभी दोनों को 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। ओके सो मिल गया 2/3। इन दोनों डिवाइड करते हैं, डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। सो 0 यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके 3 6 ज़ा 18, 20 से 18 सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 2। अगेन 0, 3 6 ज़ा 18। ओके सो दिस इज रिकरिंग। ओके हमें क्या मिल जाएगा, 0.66, दैट इज आवर फाइनल आंसर, 0.66 मीटर। अभी मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया और हमें फोकल लेंथ कितना मिला, 66 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि निगेटिव है? इट इज पॉजिटिव, एंड इफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल लास्ट वन, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस रहेगा, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। Why? Because the focal length is positive. Now let's move to the next problem. Question number 83, page number 92. Three lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? So total power nikalna hai hame combination of the lenses ka. So tino bhi lens ek dusre se attached rakhi gayi hai aur usko उसका टोटल पावर निकालना है हमें। ओके इसका मतलब क्या है, तीन लेंस है, तीनों को भी ऐसे रखा गया अटैच्ड, देयर इज नो गैप बिटवीन देम, तो ऐसे रखा गया है, एंड इन तीनों का अभी टोटल पावर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए पावर का फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले गिवन लिख के लेते हैं, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस P1, पावर ऑफ सेकेंड लेंस P2, पावर ऑफ थर्ड लेंस P3, तीनों का वैल्यूज लिख के लिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज फॉर्मूला क्या है, P = P1 + P2 + P3। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 2 + 2.5 + 1.7, तीनों को सिंपली ऐड करना है, एंड आफ्टर एडिंग यू विल गेट द फाइनल पावर, दैट इज 6.2 डायोप्टर। ओके सो हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फिनिश हो गए, सो आज का पार्ट यहाँ पर ही फिनिश हो गया। आज के पार्ट में हमने क्या क्या किया, जरा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ओके सो क्विक रिकैप, क्या क्या देखा आज हमने, सबसे पहले देखा इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंसेस। तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एट एनी वेयर प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों भी देखा हमने। उसके बाद देखा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के 5 रूल्स है। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लेंस। सेकेंड, डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन फॉर ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज अ पॉजिटिव, तो लेफ्ट में मेजर करते हैं उसको नेगेटिव देना है। जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे मेजर करते हैं उसको नेगेटिव लेना है। इज वेयर आवर थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट रूल, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। उसके बाद हमने 4 फॉर्मूले देखे, सबसे पहले देखा लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/V - 1/E = 1/F। यहाँ में क्या बताता है, तीनों के बीच का रिलेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल, तीनों के बीच का रिलेशन हमें कौन देगा, लेंस फॉर्मूला। इनमें में से अगर कोई भी दो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले देखे हमने, फर्स्ट वन वॉज M = height ऑफ द इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन मैग्नीफिकेशन = distance ऑफ इमेज डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस, इट इज सिंपली P = 1/F एंड F शुड ऑलवेज बी इन द मीटर, मीटर में होना चाहिए F, एंड इट्स यूनिट इज डायोप्टर, एंड लास्ट फॉर्मूला वी हैव सीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए हमने फोकल लेंथ निकाला, दैट इज 1/F =
वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, एंड उसके लिए पावर निकाला p इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको साइंस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, असाइनमेंट शीट चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्विजेस चाहिए अलग अलग लेसन के ऊपर, या फन एक्टिविटीज़ आपको चाहिए रहेगा, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।